नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। श्री राम कर्मभूमि न्यास सिद्ध आश्रम के तत्वावधान में बांका के अद्वैत मिशन स्कूल मंदार बौसी में श्री मंदारेश्वर काशी विश्वनाथ मंदिर जीर्णोद्धार के लिए शुक्रवार को भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन अद्वैत मिशन स्कूल मंदार बौसी बांका में किया गया। कार्यक्रम के संस्थापक संरक्षक जगत गुरु रामानंदाचार्य पद्म विभूषण स्वामी राम भद्राचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी आनंदाचार्य और शिव शक्ति योगपीठ के पीठाधीश्वर प्रमंद स्वामी आत्मानंद के संरक्षण में भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे समेत बिहार सरकार के कई मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, विधान पार्षद के अलावा काफी संख्या में लोग शामिल हुए। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि पद्म विभूषण स्वामी राम भद्राचार्य के संरक्षण में एवं मार्गदर्शन में जगत गुरु स्वामी अनंताचार्य एवं प्रमंद स्वामी आत्मानंद महाराज के सानिध्य में पूरे विधि विधान से भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। जबकि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भूमि पूजन और शिलान्यास में हिस्सा लिया। भागलपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत मीरा चक में 21 वर्षीय युवक अक्षय कुमार की धारदार हथियार से रेत कर हत्या कर दी गई। वहीं अक्षय पर हमले की जानकारी मिलते ही जब उसके परिजन खून से लथपथ हालत में लेकर इलाज के लिए मायगंज अस्पताल पहुंचे तो वहां चिकित्सकों ने अक्षय को मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर मृतक की मां रंजू देवी और भाई राजन ने बताया कि घटना से कुछ देर पहले अक्षय के फोन पर किसी का कॉल आया था जिसने उससे मिलने के लिए मीरा चक सरकारी स्कूल के पास बुलाया था और तुरंत अक्षय घर से अकेले निकल गया। घर वालों ने बताया कि थोड़ी ही देर बाद उन लोगों को पता चला कि अक्षय पर हमला कर किसी ने लहूलुहान कर दिया है और आनन फानन में वे सभी इलाज के लिए उसे मायगंज अस्पताल ले गए। राजन ने मीराचक के कुछ लोगों का नाम लेते हुए बताया कि अक्षय पर उन लोगों ने ही पुरानी दुश्मनी को लेकर हमला कर मौत के घाट उतार दिया है, जबकि 2 साल पहले ही अक्षय जेल से बाहर आया था। इधर मृतक की मां रंजू देवी ने बताया कि घर के बगल के रहने वाले कुछ लोगों की उनके बेटे अक्षय से पुरानी दुश्मनी चल रही थी, जबकि उन लोगों ने मेल मिलाप कर थाना में आवेदन देने की भी बात पूर्व में कही थी, लेकिन 1 साल पहले बेटी को भी किसी ने जहर खिलाकर मार डाला था, जबकि अब अक्षय की भी हत्या कर दी गई। इधर घटना के बाद से मीराचक में दहशत का माहौल है, जबकि इसकी सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वही औद्योगिक थाना के थानाध्यक्ष कौशल भारती ने बताया कि संदेह के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। हारो मंडल और घोकली मंडल मोहनलाल मंडल काहे मारा था, दारू शराब बेच रहा था, कोई और पुलिस बुला था, मेरा भाई का नाम हमेशा लेता था। 27-28 तारीख को झगड़ा हुआ था, इधर बोला तुमको मार देंगे, तो मैं उधर बोला तो झगड़ा शांत हो गया था। 10:30 रात में निकला, लोग मीटिंग बना के पहले से था, पीछे से आके दौड़ के वार कर दिया। तो कॉल करके बोला, कोने पे लोग खड़ा था पहले से, ये लोग 2 लड़का था, एक लड़का भाग के मेरे घर पे गया बोलने के लिए, मैं उधर से तब आया तो मैं भी अकेला था, उधर से देखा तो मेरा भाई को मार रहा है, ये लोग मेरे ऊपर भी इंटा चलाया, तो मैं पीछे भाग गया, तो मेरा पूरा फैमिली आया, तब मैं उधर से मेरे भाई के पास आया तो देखा पूरा खून तून पूरा चारों साइड गिरा हुआ है, तो मैं टेम्पू बुलाया, टेम्पू बुला के उसके बाद लोडिंग करके उसमें लाया यहाँ अस्पताल, उसके बाद थाना फ़ोन किया, 4 गाड़ी यहाँ पे थाना आया, बड़ा बूढ़ी यहाँ पे आया था और 4 गाड़ी घर पे गया था, और फिर सनिचर मंडल भाग रहा है अभी, और हारो मंडल, घोकली मंडल और मुहिलाल मंडल पकड़ा गया, 3 को पकड़ा गया, 1 को भाग रहा है और उसका बेटा भी था। भारतीय जनता पार्टी को नया जिला अध्यक्ष मिल गया है, जिसके नाम की घोषणा गुरुवार को पार्टी की ओर से की गई। दरअसल लंबे समय तक भागलपुर भाजपा के कार्यकारी जिला अध्यक्ष की भूमिका में रहे युवा नेता संतोष कुमार साह को भागलपुर का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सूची जारी करते हुए कहा कि संतोष साह के नेतृत्व में भागलपुर भाजपा का संगठन सशक्त और प्रभावी होगा, जबकि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी नेतृत्व का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद नए जिलाध्यक्ष संतोष कुमार साह ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बाबा बृहदेश्वर नाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की, जहां सभी ने मंगल कामना करते हुए संगठन की मजबूती की बात कही है। इसको लेकर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य बंटी यादव ने अपने आवास पर संतोष कुमार का स्वागत अंगवस्त्र और माला पहना कर किया, जबकि इसके अलावा
अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और अजित शाश्वत चौबे समेत जिले के कई भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने नए जिलाध्यक्ष संतोष साह को बधाई दी। इसके अलावा कई जगहों पर संतोष कुमार साह का स्वागत कर संगठन की मजबूती के लिए भरोसा जताया गया। नवगछिया जगतपुर गाँव में जगत ध्वजा मंदिर के पीछे स्थित अशोक यादव के केला खेत में पुलिस ने भरोसी यादव के 20 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार का शव बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि शव को देखकर प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि युवक की गला दबाकर हत्या की गई है, जबकि मृतक के गले पर निशान भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया और मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। इसको लेकर नवगछिया SP शांत कुमार सरोज ने बताया कि प्रथम दृष्टया घटना के पीछे का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस मामले की कई बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। SP ने कहा कि जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर मृतक के भाई मनीष यादव ने बताया कि नीतीश बुधवार की शाम घर से भागलपुर जाने की बात कहकर निकला था और गुरुवार की सुबह उन लोगों को केले के खेत में उसका शव बरामद होने की खबर मिली। मनीष ने बताया कि पड़ोस के दिवाकर यादव की पत्नी पिछले कई दिनों से बार बार उसके घर पर आती थी और नीतीश द्वारा उससे 20,000 रुपये लेने की बात कहती थी, जबकि पैसे नहीं देने पर वह नीतीश और पूरे घर को बर्बाद कर देने की बात कहती थी। साथ ही मनीष ने कहा कि उससे पक्का विश्वास है कि उसके भाई नीतीश की उसी महिला और उसके सहयोगियों द्वारा हत्या कर दी गई है। घटनाओं के बारे में हमको भी पता नहीं है। शाम में लड़का बोला हम भागलपुर जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद भागलपुर एक जाने के चक्कर में लगता है इधर आया। उसके बाद ये मतलब एक महिला है यहाँ पे, वो हमको आज से 10 रोज ऐसे हालांकि रोज धमकी दे रहा है घर पे जाके, मेरा पैसा लिया है नहीं दिल बाद नहीं तो उसको मरवा देंगे। अच्छा, कौन महिला? ये बगले है वो दिवाकर की पत्नी। अच्छा, कितने बजे बोला था भागलपुर जाएंगे? शाम में 3-4 बजे लगभग। अच्छा, तो बोला कि हम भागलपुर जाएंगे। ये बोला हमें घर हम कथी जब चलिए भागलपुर है तब यहाँ थोड़ा नहीं दिक्कत हो तो वही हम तो सोचे भागलपुर चला गया, इसीलिए कॉल उल नहीं किए। सवेरे जब घर पे कोई गया बोला भाग मार दिया, तब फिर भी हमको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तब फिर आगे देखें। बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ महागठबंधन दल के सभी नेता कार्यकर्ता और अलग अलग क्षेत्र से जुड़े काफी संख्या में शहर के लोग शामिल हुए। होली मिलन समारोह में विधायक अजीत शर्मा ने भी होली के गीतों पर जमकर ठुमके लगाए, जबकि उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं ने भी कलाकारों के द्वारा गाए जा रहे होली के गीतों पर जमकर मस्ती की। वहीं समारोह में सभी लोगों ने होली को लेकर बने कई पकवानों का लुत्फ उठाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। इधर विधायक ने कहा कि सभी धर्म के लोग एकजुट होकर रंगों के पर्व होली के रंग में रंगे हुए हैं और सभी ऐसे ही एकजुट होकर आने वाले समय में देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, जबकि केंद्र की गद्दी से भारतीय जनता पार्टी को हटाकर देश में महागठबंधन की सरकार बनाई जाएगी। होली मिलन समारोह आज पूरे महागठबंधन के लोगों ने किया है। दूसरी बात है कि मेरे आवास में है, सबका सहयोग है और ये होली में जिस तरह से रंग लोग साथ लगाते हैं, चाहे वो हरा रंग हो, पीला रंग हो, गुलाबी रंग हो, उसी तरह हम लोग चाहते हैं कांग्रेस पार्टी और गठबंधन हम लोग सभी लोगों को हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई जो भी है सबको एक साथ लेकर होली का रंग मनाएं और पूरे बिहार को पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम करें, सबको भाईचारा निभाए, सब लोग को एक माने। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तोड़ने काम कर रही है उसको हम लोग रोके। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया अंतर्गत बीपुर नदी थाना क्षेत्र में पासअप पर सो रहे किसान की बदमाशों ने गोलियों से छल्ली कर हत्या कर दी। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बीपुर प्रखंड के लत्तीपुर उत्तर पंचायत के वार्ड नंबर 12 के 30 वर्षीय पशुपालक किसान सूरज यादव करैया कोसी दियारा स्थित बासा पर 3 अन्य साथियों के साथ सोए हुए थे, तभी 10 की संख्या में आए बदमाशों ने सूरज को उठाकर गोलियों से भून दिया, जिसमें बदमाशों की 6 गोली किसान को लग गई और घटनास्थल पर ही सूरज की मौत हो गई। सूरज की कनपट्टी, पेट, छाती और कमर में गोली मारी गई है, जबकि इसके बाद बदमाशों ने सूरज के शव को करीब 1.5 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया। घटना की सूचना पर शुक्रवार की सुबह मृतक किसान का बड़ा भाई राजकुमार यादव, पिता मच्छू यादव सहित कई ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन फिलहाल हत्या के कारणों का कुछ भी पता नहीं चल सका है। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इधर
इधर परिजनों का कहना है कि सूरज यादव अन्य साथियों के साथ भैंस लेकर बासा पर रहते थे, जो लतीपुर गांव से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं नदी थाना प्रभारी अशोक कुमार ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया, जिसके बाद थाना प्रभारी ने बताया कि बासा पर सो रहे अन्य लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है और हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी में जुट गई है। कैसे घटना के बारे में सब छुपा हुआ था, सबको उठा के मैं उघाड़ के पहचान, इसको पहचानने के उसको उघाड़ा और इसको डायरेक्ट गोली मार दी। एक गोली राइट इसको सर में मारा, उसके बाद खड़ा करने के बाद वहाँ पे इसको उसी जगह 5-6-7 गोली दे दिया। और जो उसके बगल में 3 आदमी सोया हुआ था उसको बोला मादर से कम्बल नहीं उघाड़ो, मगर जाओ मादर से जगह ने मुँह उघाड़ो क्या, तो उसको मुँह में गोली घुसा दिया। तो कब उसको, हाँ। उसको मारने के बाद फिर बथान पर से साइड ले जाके फिर उसे लाठी से मारा, फिर उसे कैसे उसको घींच के ले जाके जंगल में छोड़ दिया। तो कब लाश कब मिला? लाश लगभग 7 बजे मिला है लाश। घटना कब हुई है? घटना ये 1-1.5 बजे के लगभग घटना हुआ है। अच्छा, तो वहाँ कौन कौन था, कितना लोग था वहाँ पे? वहाँ पे 4 लोग था। कौन कौन था? एक जैसे कि मेरा भाई था। क्या नाम था? रंजीत यादव। अच्छा। एक मंटू यादव था, एक रणवीर यादव, एक ये सूरज यादव था जो जिसका मौत हो गया। अच्छा। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद मिल रहे शराब और अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ आम लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन के लाख दावे के बाद भी धड़ल्ले से शराब कारोबार फल फूल रहा है। वहीं इसको लेकर भागलपुर शहर के प्रवत्ति में शराब बेचने के विवाद में गुरुवार को प्रशासन के खिलाफ हुए आगजनी एवं विरोध प्रदर्शन के बाद भागलपुर पुलिस एक्टिव मोड में आ गई है। दरअसल शराब कारोबारियों के खिलाफ विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के प्रवत्ति मोहल्ले के लोगों ने सड़क जाम और आगजनी कर प्रदर्शन किया। वहीं सड़क जाम करने के मामले में सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर पुलिस द्वारा केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया। वहीं इस मामले में घायल पक्ष की ओर से भी आवेदन देकर केस दर्ज किया जा रहा है, जबकि आरोप सत्य पाए जाने पर उचित कार्यवाही करने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि शराब कारोबारियों ने पीड़ित पक्ष के साथ मारपीट कर उसका सिर फोड़ दिया, जबकि इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उन सभी को वहां से खदेड़ दिया। इधर विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल का कहना है कि घायल पक्ष की ओर से आवेदन दिया गया है, जिसकी जांच करते हुए इलाके में छापेमारी भी की गई, लेकिन अब तक पुलिस को कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।